आज मैं सिखाने जा रहा हूं आप लोग को चीकू शेक कैसे बनाते हैं, इनफैक्ट चीकू बनाना शेक कैसे बनाते हैं, और डायबिटीज के मरीज भी इसको पी सकते हैं। अरे क्या डायबिटीज के मरीज चीकू खा सकते हैं? तो ये सवाल काफी लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्या डायबिटीज के मरीज चीकू खा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चीकू शेक बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्या डायबिटीज के मरीज चीकू खा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं बनाने जा रहा हूं चीकू बनाना शेक। तो चीकू बनाना शेक के लिए आपको चाहिए चीकू, ये देखिए, ये मैंने 200 ग्राम मेजर करके लिया है, ठीक है। डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, ये पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 200 ग्राम मैंने चीकू मेजर करके लिया है। मेरे पास एक केला है, इसको मैंने बारीक बारीक काट दिया है। एक केला मीडियम साइज का लिया है और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया है और इसमें दालचीनी लिया है। दालचीनी को मैंने, जो साबुत दालचीनी होता है, उसको मैंने पीस दिया और पीस के इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया। मैं मार्केट से पाउडर यूज नहीं करता हूँ क्योंकि उससे फ्लेवर नहीं आता है, तो इसलिए मैंने उसको पीसा है और इसमें कोई मिलावट नहीं होगा। और मेरे पास दूध है, आप देखिए, ये एक ग्लास दूध नहीं है, मैंने आधा दूध लिया था, इनफैक्ट 100-150 ml दूध लिया था और बाकी इसमें मैंने पानी मिला दिया। तो ये पूरा ग्लास दूध नहीं है, ये दूध के साथ पानी मिलाया हुआ है, आधा दूध आधा पानी, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे है, बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है, जिसको खाना बनाना नहीं आता है वो भी बना सकता है। आपको चाहिए एक मिक्सी, तो ये मिक्सी बोरोसिल का है, बहुत ही अच्छा है और बहुत जल्दी ये बना देता है, बहुत अच्छा है, ये स्प्लिट भी नहीं होता है। तो मुझे ये मिक्सी बहुत अच्छा लगा, काफी लोगों ने मेरे से पूछा आप कौन सा मिक्सी यूज करते हैं। तो ये मिक्सी है मेरे पास बोरोसिल का, तो अगर आप लोग भी इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छा है, मैं काफी दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ, तकरीबन 1 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चीकू बनाना शेक बनाने के लिए सबसे पहले आपको चीकू जो है ये डालना पड़ेगा, ये चीकू में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जो केला मैंने लिया था, एक केला मीडियम साइज का, वो भी मैंने डाल दिया। धनिया पत्ता, ये धनिया पत्ता है, ये भी डाल दिया। धनिया पत्ता से अच्छा फ्लेवर आएगा, आपने आज तक कभी ऐसा शेक नहीं ट्राई किया होगा, धनिया पत्ता नहीं डाला होगा, लेकिन डाल के देखिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और फाइनली ये जो पाउडर लिया है दालचीनी का, ये भी मैं डाल दूंगा। दालचीनी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद जो ये दूध है, ये भी मैं इसमें मिला दूंगा। आज मैं आइस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ठंडा है काफी मौसम, तो आइस लेने की जरूरत नहीं है, बिना आइस के आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ठंडा चाहिए, चिल्ड चाहिए, तो आप इसमें आइस भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसको मैं, देखिए ये ऐसे लॉक हो जाता है, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये ऐसे लॉक हो जाता है। अब मैं इसको ऑन करता हूं, ये देखिए, और इसको एक पे रख देता हूं और इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। तो आपने देखा, मैंने इसको छोड़ दिया, आप इसको छोड़ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लॉक हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि हल्के से इसको प्रेस करके रखिए, तो कोई रिस्क नहीं होगा। लेकिन आप छोड़ के भी करना चाहते हैं तो इसको ऐसे छोड़ के कर सकते हैं, इस तरह से छोड़ के, तो कुछ नहीं होगा। बस मुश्किल से कुछ 30 से 40 सेकेंड में आपका ये शेक तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे लगता है कि तैयार हो गया। तो ये मैंने सिर्फ 10-15 सेकेंड ही किया है, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, मैक्सिमम आधा मिनट आपको चाहिए, उसके बाद आपका ये शेक तैयार हो गया। अब मैं ये डाल के आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा, इसमें कोई चीनी नहीं डाला है, नेचुरल स्वीटनर है इसमें। तो अब मैं इसको डाल के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। ये देखिए, ये जब आप डालेंगे तो ऐसा लगेगा। और इसको मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूं कि ये कैसा है। वाव, अमेजिंग,
ऐसा शेक आपने कभी पिया नहीं होगा, इसमें मिठास भी है, थोड़ा सा जो मैंने धनिया पत्ता डाला है उसका भी फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा दालचीनी डाला है उसका भी फ्लेवर आ रहा है। तो ये बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है और डायबिटीज के मरीज भी इसको ले सकते हैं। चलिए आप इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल फैक्ट। जब तक आप न्यूट्रिशनल फैक्ट्स नहीं जानेंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जैसे ही मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा, क्या डायबिटीज के मरीज चीकू खा सकते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाएंगे। हमारे डॉक्टर ने तो मना किया है, क्योंकि चीकू एक मीठा फल है और डायबिटीज के मरीज खाएंगे तो शुगर लेवल तेज हो जाएगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज होगा तो इस दुनिया का कोई भी फल आप खा सकते हैं। तो अगर मैं चीकू की बात करूं तो चीकू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 37 है दोस्तों। जी हाँ, 37, जो एक सेब के आसपास है, बिल्कुल सेब के बराबर है। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 37-38 है और चीकू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 37-38 है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, लेकिन अगर मैं 100 ग्राम चीकू की बात करूं तो 100 ग्राम चीकू में आपको 20 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और अगर सेब की बात करूं तो 100 ग्राम सेब में आपको 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है चीकू में, बस इतना सा ही फर्क है 5 ग्राम का। और अगर मैं ग्लाइसेमिक लोड की बात करूं तो ग्लाइसेमिक लोड आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट। इस कंडीशन में चीकू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 34 है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन 100 ग्राम्स, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका 7.4 के आसपास आता है। तो ग्लाइसेमिक लोड काफी कम है। तो दोस्तों ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा कि मैंने 200 ग्राम चीकू लिया था, तो 200 ग्राम चीकू का ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 15 के आसपास हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया है जी, ये पूरा परिवार के लिए बनाया है, हम 3 लोग मिलके इसको पिएंगे। तो अगर मैं इसकी टोटल ग्लाइसेमिक लोड भी कैलकुलेट करूं तो वो 10 के नीचे ही रहेगा, कम ही रहेगा। और 10 के नीचे अगर आपका ग्लाइसेमिक लोड है किसी भी फूड का तो वो कम ही रहता है। तो गाइस आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, और इसको लेने के बाद आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये चीकू बनाना शेक लेने के बाद क्या आपका शुगर लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा। और चीकू का सबसे खास बात क्या है कि 100 ग्राम चीकू में तकरीबन आपको जो 20 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसमें से 5 से 6-7 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा। तो नेट कार्ब बहुत कम होता है, फाइबर बहुत अच्छा होता है चीकू में, और फाइबर आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। और चीकू में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, और मिनरल्स में खास करके इसमें अच्छा खासा पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। तो इसीलिए गाइस चीकू जरूर खाइए, अगर आप अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो चीकू जरूर खाइए, क्योंकि पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छा खासा मिलता है चीकू में, और पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत जरूरी है एक ग्लूकोज रेगुलेशन के लिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए। तो इसीलिए आपके डायबिटीज रिवर्सल में चीकू लेना बहुत जरूरी है। चीकू लेंगे तो आप अपना डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं। और इतना यम्मी, इतना टेस्टी, तो जब भी आपको कोई मीठा खाने का मन करे तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप बिस्किट ना खा के या नमकीन ना खा के, चॉकलेट ना खा के, ये नेचुरल फ्रूट्स अगर आप खाएंगे तो आप जल्दी अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। और जब आपका डायबिटीज रिवर्स होगा तो आप एक हेल्दी जीवन भी बिता सकते हैं, आपको और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स सारे फल खा रहे हैं जो उनको सारे डॉक्टर्स ने मना किया है, और वो सारे फल खा के उनका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता है। तो आप लोग भी सारे फल खाइए, केला भी आप खा सकते हैं। देखिए केला, मैंने एक केला लिया, वो भी मीडियम साइज का। तो अगर आप केला लेंगे तो मीडियम साइज का लीजिए। और ये जितना चीज मैंने बनाया है, ये मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, ये हम 3 लोग मिलकर खाएंगे, मैं, मेरा वाइफ और बेटा, हम तीनों मिलकर खाएंगे। तो ग्लाइसेमिक लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये पूरा चीज का ग्लाइसेमिक लोड भले ही ज्यादा हो, लेकिन जब आप उसको डिवाइड कर देंगे 2 या 3 पार्ट में तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। आइए आप और हम एंजॉय करते हैं ये चीकू बनाना शेक। आहा, इसमें आपको बहुत ज्यादा विटामिन्स
और खास करके विटामिन बी आपको मिलेगा, इसमें जिंक भी मिल जाता है, इसमें सेलेनियम मिल जाता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो जो भी चीज चाहिए होता है आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए, ये सारे चीज आपको चीकू में मिल जाएंगे। और जब आप चीकू को इस तरह से आप शेक में बनाएंगे तो आपका एक प्रॉपर मील हो जाएगा। ये आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में लेने के बाद फिर आप नेक्स्ट मील ले सकते हैं, तो आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी उतना ज्यादा नहीं होगा। तो गाइज, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि बहुत लोग चीकू खाना चाहते हैं, चीकू नहीं खाते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको अच्छा नॉलेज मिलेगा और वो भी चीकू खा सकते हैं अगर उनको डायबिटीज है तो। तो गाइज, उम्मीद करता हूं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।